hello everyone in previous lecture i discussed about the cold extrusion process and there were two types uh, the forward cold extrusion process and backward cold extrusion process in backward cold extrusion process there were two types impact extrusion and cold extrusion forging and we discussed the various parameters regarding both process in today's lecture we will start with the difference between the direct uh, extrusion process and indirect extrusion process or we can say the forward extrusion process or backward extrusion process so let us start so this is a very important topic comparison between direct and indirect extrusion processes first let us take direct or forward extrusion and on the other hand there is indirect or backward extrusion process so the basic difference between both we can say uh, suppose here it is our the cylinder and this is our die the billet is over here and when we push through RAM, we apply force, the material gets extruded from this portion. This is the die, and this is the outer cylinder, and this is our billet, and this is RAM through which we. Apply force, and this is our extruded part which is extruded from the back end. And this is about the forward extrusion process. Similarly, when we apply force in the backward extrusion process, suppose here it is the same, the billet is over here and when we apply force through ram this is the suppose ram solid ram from this end this is the ram and we apply pressure p on the both side the pressure is applied in this directions so material gets extruded in the backward direction so this is about the indirect or backward extrusion now let us discuss step by step the difference between the both of the processes so the first difference is the billet is forced by solid ram in direct or forward extrusion the billet is forced here it is the billet and billet is forced by द सॉलिड रैम जो रैम मटेरियल होता है वो सॉलिड होता है और इन दिस केस द बिलेट इज फोर्स बाय द होलो और वी कैन से इट इज अ होलो रैम यहाँ पे चाहिए होगा क्योंकि फोर्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और जो मटेरियल एक्सट्रूड होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा तो जो रैम है वो उसका शेप कुछ इस तरीके से होगा वो इस तरीके से होगा और वो हॉलो शेप होगा तभी वो जो है उस उसमें से हम जो पार्ट है उसको हम एक्सट्रूड करा सकते हैं दूसरा जो डिफरेंस है मेटल फ्लोज़ इन द डायरेक्शन ऑफ रैम मोमेंट जो मेटल का फ्लो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द रैम मूवमेंट जिस डायरेक्शन में रैम की मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में मेटल की सपोज़ यहाँ पे डाई है तो यहाँ पे उसी डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट होगी और जबकि यहाँ पे क्या होगा मेटल फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रैम मूवमेंट जो भी रैम मूवमेंट है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो मेटल है वो मूव करेगी इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में रैम की मूवमेंट होगी तो मटेरियल की जो मूवमेंट है दिस विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन और यहाँ पे जो भी रैम की मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में मेटल फ्लो की मूवमेंट होगी अगला जो डिफरेंस है वो है डमी ब्लॉक इज़ यूज बिटवीन रैम एंड बिलेट अभी ये डमी ब्लॉक क्या है जो यहाँ पे ये है ठीक है रैम और जो भी यहाँ पे बिलेट है ये हमारा बिलेट है या फिर तो मटेरियल है उसके बीच में यहाँ पे एक डमी ब्लॉक यूज़ किया होगा क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो हाई होगा वो हॉट स्टेट में होगा ये बिलेट और ये रैम है रैम डैमेज ना हो इसके बीच लिए यहाँ पे बीच में एक डमी ब्लॉक यहाँ पे यूज़ किया जाएगा जो इन बिटवीन रैम एंड बिलेट के बीच में यूज़ होगा और जबकि यहाँ पे डमी ब्लॉक की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है या तो फिर नहीं भी हो सकती ठीक है क्योंकि यहाँ पे जो है बैकवर्ड एक्सट्रूजन में वो इतना फोर्स रिक्वायरमेंट नहीं होता क्योंकि उसमें तो फॉरवर्ड में क्या है कि पूरा जो बिलेट है उसी को हमको यहाँ पर जो पूरा का पूरा बिलेट है उसको हमको पुश करना पड़ता है तो उसकी वजह से यहाँ पे जो सरफेस एरिया जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा ठीक है और डमी ब्लॉक की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती इनडायरेक्ट में अगला जो डिफरेंस है फ्रिक्शन प्रॉब्लम एग्जिस्ट ड्यू टू रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन मेटल एंड सिलेंडर वॉल यहाँ पे ये जो हमारा सिलेंडर है ठीक है और उसके अंदर ये सपोज़ यहाँ पे डाई है और यहाँ पे है बिलेट और इसको हम रैम के थ्रू जब भी पुश करेंगे तो क्या होगा ये जो एरिया है यहाँ पे यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा तभी उसकी वजह से जो फ्रिक्शन प्रॉब्लम्स होगी वो डायरेक्ट या फिर फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में पॉसिबल है जो भी मेटल और सिलेंडर वॉल है उन दोनों के बीच में और जबकि यहाँ पे भी फ्रिक्शन अप्लाई होगा जो डाई सेक्शन है जबकि इनडायरेक्ट में क्या होगा कि इनडायरेक्ट में जो भी यहाँ पे ये वाला एंड जो है वो सॉलिड है और यहाँ पे जो ब्लॉक है हमारा मटेरियल है और जब हम रैम के थ्रू यहाँ पे पुश करेंगे तो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में मटेरियल का फ्लो होगा तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होगा वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा तो जो फ्रिक्शन होगा वो यहाँ पर देर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन बिलेट एंड द बिलेट डज नॉट मूव बिकॉज ऑफ द यहाँ पे बिल, बिलेट की मूवमेंट है ही नहीं बिलेट जो है एक ही पोजीशन में जबकि यहाँ पे रैम के साथ साथ बिलेट भी मूव करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फ़ोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा जबकि यहाँ पे जो रे बिलेट है वो तो स्टेडी कंडीशन में है और मटेरियल यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सट्रूड हो रहा है जब भी हम फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देर इज़ नो फ्रिक्शन बिकॉज द बिलेट डज नॉट मूव सो दिस इज़ द डिफरेंस अगला जो डिफरेंस है फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बिलेट इज़ हायर ऑब्वियसली जैसे अभी फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो जो फोर्स रिक्वायरमेंट होगी वो टू मूव द बिलेट अभी पूरा जो बिलेट है वो बल्कि होगा मेटल का है तो उसका वेट जो है वो ज़्यादा होगा उसकी वजह से जो फोर्स रिक्वायरमेंट होगी उसको मूव करने की ज़्यादा होगी सिमिलरली हम यहाँ पे देखें तो देर द प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एज मच फोर्स तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मटेरियल है बिलेट चाहे कितना भी बल्कि हो लेकिन उसकी मूवमेंट यहाँ पे ज़ीरो है ये मूवमेंट यहाँ पे नहीं कर रही है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी फोर्स होगा वो कम रिक्वायर्ड होगा एज कंपेयर टू डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सक्रूजन प्रोसेस अगला जो डिफरेंस है देर आर नो हैंडलिंग प्रॉब्लम्स फॉर एक्सट्रूडेड पार्ट यहाँ पर क्या होगा कि जो हैंडलिंग प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज नहीं होगा फॉर एक्सट्रूडेड पार्ट जो भी हम एक्सट्रूडेड पार्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे उसमें उसको हैंडल करना में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि स्ट्रेट एक्सट्रूजन है और जब भी यहाँ पे जो हैंडलिंग ऑफ एक्सट्रूज पार्ट है वो मोर डिफिकल्ट है क्योंकि ये जो है यहाँ पर जो एक्सट्रूजन होगा सपोज़ ये यहाँ पे रैम है और यहाँ पे जो एक्सट्रूडेड पार्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है इस डायरेक्शन में और जो रैम है उसके साथ हाइड्रोलिक्स कनेक्टेड है या मेकेकल प्रेस कनेक्टेड है तो जो ये साइड है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फाइंड होगी जो स्पेस बहुत कम होगी तो उसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि यहाँ पर रैम भी ऑपरेट कर रही है जबकि यहाँ पर तो सिंपली यहाँ पर बुलेट को पुश करेंगे और यहाँ पर जो पार्ट है वो एक्सट्रूड यहाँ पे आ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी पार्ट है उसको हम साइड बाय साइड हैंडल इजीली कर सकते हैं ठीक तो जो डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन का यही बेनिफिट है कि हम को हैंडलिंग जो है वो इजी रहता है और इसमें जो हैंडलिंग है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इन इनडायरेक्ट और बैकवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस नेक्स्ट डिफ्रेंस इज द सर्फेस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ कम्पेरेटिवली प्रोअर अभी यहाँ पे क्या होगा कि लॉट्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा जो सरफेस क्वालिटी है वो कम हो जाएगी जो भी प्रोडक्ट है और एज़ कम्पेयर टू इनडायरेक्ट और बैकवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस एंड हियर द सरफेस क्वालिटी इज़ बेटर क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और जो रैम का मटेरियल के साथ कॉन्टैक्ट है वो भी बहुत ही कम है उसकी वजह से जो है सरफेस क्वालिटी यहाँ पे हमको बेटर मिलेगी अगला जो डिफरेंस है वो है द इक्विपमेंट इज़ लेस कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे जो फॉरवर्ड एक्सट्रूजन है वो सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है तो उसका जो इक्विपमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेस कॉम्प्लिकेटेड है उसमें कोई कॉम्प्लीकेशंस नहीं है उसके ऑपोजिट जब हम इनडायरेक्ट या बैकवर्ड एक्सट्रूजन का देखें तो जो भी सेटअप इज़ ए मिकेनिकली मोर कॉम्प्लिकेटेड सो यहाँ पे जो है वो हैंडलिंग भी डिफिकल्ट है और सेम वे अगर होलो पार्ट है तो रैम को कैसे पुश करे और मटेरियल को कैसे एक्सट्रूड करे तो इनडायरेक्ट या बैकवर्ड एक्सट्रूजन जो है उसमें जो मिकेनिकल डिफिकल्टी बहुत ही ज़्यादा होगी सो दिस इज़ द कम्प्लीट डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन एंड इनडायरेक्ट और बैकवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस नेक्स्ट टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस नाउ In analysis of extrusion process, first uh, we will take one cross section area. This is uh, simply our uh, RAM. This is the die and it is pushed through this portion. And we will take one small area dx and for that. Uh, we will this is the dead zone because here there is no material movement material moves directly from this to this direction so this is called as the this area is called as dead zone and here we indicate by p and q point and here the initial diameter is di and the final diameter of the product is do this is our product and this angle is suppose 45 and the distance from this point to this point is L and the thickness of this point is dx and if we take here the origin, uh, it will be at distance x from this point. Another figure here for analysis that is required is the यहां पे जो stress लगेगा sigma x वो दोनों direction में equal लगेगा ठीक है ये जो element है उसके लिए उसके लिए बात कर रहे हैं और जो डी एक्स है वो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए होगा और जो म्यू पी है जो भी यहाँ पे शीयर स्ट्रेस है वो यहाँ पे लगेगा और जो प्लेन के परपेंडिकुलर पी जो है वो यहाँ पे लगेगा प्रेशर फोर्स और यहाँ पे जो ये वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू टू आर ऑफ रेडियस एंड हेयर इट विल बी आर प्लस डी सो दिस इज़ द स्ट्रेस ऑन एलिमेंट जो भी एलिमेंट है मोर स्ट्रेस आपको मालूम होगा तो जो भी प्लेन स्ट्रेस है यहाँ पर सीयर स्ट्रेस और जो भी डायरेक्ट स्ट्रेस है वो लगेंगे और यहाँ पे ये इंडिकेट किए हुए तो इसका जो इक्वेशन है वो हम अभी देखेंगे कि एनालिसिस में कौन से इक्वेशन यूज होते हैं फ्रॉम फिगर अ सिंपल फॉरवर्ड एक्सट्रूडेंट प्रोसेस

अ कंप्रेसिव लोड इज अप्लाइड एट द एंट्री यहाँ पे जो बेसिक नेचर है डिफॉर्मेशन का एक्सट्रूजन प्रोसेस का वो ड्राइंग से सिमिलर है एक्सेप्ट दैट द इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग लोड एट द एक्टिट कंप्रेसिव लोड इज अप्लाइड एट द एंट्री जो भी ड्राइंग प्रोसेस है उसके अंदर क्या होगा कि ये डाई सेक्शन है सपोज और यहाँ पर हमारा मटेरियल है तो उसको हम यहाँ पर पुल करेंगे यहाँ पर उसको बाइंड किया होगा सपोज और इसको हम यहाँ पे पुल फोर्स अप्लाई करेंगे यानी कि टेंजाइल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा जबकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे एज कंपेयर टू ड्राइंग प्रोसेस अनदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस इज दर हाफ कोन एंगल ऑफ द डाई इज मच मोर देन इन ड्रॉइंग सो जो भी हाफ कोन एंगल है वो यहाँ पे क्या होगा द डिफरेंस इज दैट द हाफ कौन एंगल ऑफ द डायल इज़ मच मोर देन द इन ड्राॅइंग जो ड्राॅइंग में ये हाफ कॉन एंगल है सपोज ये फोर्टी फाइव का है तो वो जो ड्राॅइंग में वो क्या होगा वो कम होगा और यहाँ पे ये ज्यादा है बिकॉज ऑफ द लार्जर हाफ कॉन एंगल एंड हाई फ्रिक्शन बिटवीन द मटेरियल एंड कंटेनर वॉल डेड जोन हीयर शोन इन फिगर यहाँ पे एक डेड जोन दिखाया गया है वो यहाँ पे क्रिएट होगा वेयर देर इज नो फ्लो ऑफ मेटल जो भी यहाँ पे हाफ कोन एंगल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे डेड जोन है वो बढ़ जाएगा और वहाँ पे मटेरियल का फ्लो नहीं हो पाएगा नाउ फॉर एक्सक्लूजन प्रोसेस द सिग्मा क्यू हियर इट इज़ गिवन बाय सिग्मा वाई वन प्लस बी अपॉन बी कैपिटल आर एस टू बी माइनस बी दिस इज द एक्सप्रेशन डिराइव फ्रॉम द इक्वेशन आपको सिर्फ इसका ये इक्वेशन ही याद रखना है ठीक है और एग्जाम में इसका डिराइवेशन कंप्लीट नहीं आएगा सिर्फ इतना इक्वेशन ही इसका लिखना है इन एनालिसिस ऑफ एक्सक्जन प्रोसेस क्योंकि जो डिराइवेशन है वो बहुत ही लेंथी है और uh, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसका डिराइवेशन सेंड कर दूंगा यहाँ पे आर जो है वो है एक्सट्रूजन रेशियो दैट इज गिवन बाय ए आई बाई ए डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू आर वन स्क्वायेयर डिवाइडेड बाय आर ओ स्क् यानी कि आर आई जो है वो है यहाँ पे है इसका हाफ और आर ओ विल बी एट आउटर साइड दिस इज द एक्सट्रूजन रेशियो मीन्स आउटर इन फर्स्ट इनलेट एरिया डिवाइड बाय आउटलेट एरिया दैट इज गिवन बाय द कैपिटल आर दैट इज अवर एक्सट्रूजन रेशियो एंड एक्सट्रूजन लोड एफ आई इज गिवन बाय पाई बाय फोर सिग्मा क्यू दैट इज स्ट्रेस एट द क्यू पॉइंट यहाँ पे जो क्यू पॉइंट है उसके लिए जो स्ट्रेस है स्काई इक्वेशन है और जो एक्सट्रूजन लोड है एफ आई यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय फोर सिग्मा क्यू डी आई यानी कि जो यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा सिग्मा क्यू और ये एरिया है पाई बाय फोर डी स्क्वायर यानी कि डी आई स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई इंटू पाई बाय रूट थ्री डी आई इंटू एल यहाँ पे ये एक्सट्रूजन लोड का कंप्लीट इक्वेशन है पाई बाय रूट थ्री सिग्मा वाई डी आई एल प्लस पाई बाय फोर डी आई स्क्वेयर सिग्मा क्यू उसके बाद जो अगला इक्वेशन है वो है म्यू म्यू इज इक्वल टू कैपिटल के बाय पी क्यू वेयर कैपिटल के इज द सिग्मा वाई बाय रूट थ्री एंड पी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा वाई इन वन प्लस बी अपॉन बी इंटू आर टू कैपिटल बी माइनस वन प्लस सिग्मा वाई ये जो इक्वेशन है और ये अज्यूमिंग दट अल्फ़ा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री कैपिटल बी इज इक्वल टू म्यू कॉस अल्फा जो अल्फा है यहाँ पे ये फोर्टी फाइव डिग्री हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे तो जो कैपिटल बी की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू म्यू कॉट आल्फा And that is equal to mu. For for quad forty five, it is equal to one. So capital B is equal to mu, and mu is our coefficient of friction. And the in form of this, for alpha is equal to forty five, we will get mu is equal to this: one upon root three upon one plus one upon mu. एंड टू आर एस टू कैपिटल बी माइनस वन प्लस वन सो यहाँ पे ये जो फोर इक्वेश्स है वो ये या आपको याद रखने हैं एंड इन सबको हम एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझेंगे फॉर द एनालिसिस ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस सो द इक्वेशन फोर कैन बी यूज टू फाइड म्यू बाय ट्रायल एंड एर यहाँ पे जो इक्वेशन फोर है वो यहाँ पर यूज हो सकता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू बाय ट्रायल एंड एयर ट्रायल एंड एरर में क्या किया जाता है जो भी नियर बाई वैल्यूज हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे और हमको जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो यहाँ पे उन दोनों को इक्वल करके जो मिलेगी वो हमारा आंसर होगी ठीक है सो लेट अस टेक वन एक्सा एग्जाम्पल ऑन दिस हियर देयर इज एन एग्जाम्पल गिवन अलेंड्रिकल बिलेट ऑफ लीड अलॉय

डी आई इज इक्वल टू फोर्टी एट एम एम और जो भी डी ओ है एक्सट्रूजन के बाद का जो डायमीटर है दैट इज ट्वेंटी फोर एम एम और जो भी लेंथ है दैट इज गिवन बाय हंड्रेड एम एम और यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रेस है सिग्मा वाई जो है दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व न्यूटन पर एम एम स्क्वेर नेक्स्ट द फोर्स इज मैक्सिमम जस्ट आफ्टर द स्टार्ट ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस बिकॉज द एल इज़ मैक्सिमम जब एल मैक्सिमम होगा तभी जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा और जो फोर्स का ये जो इक्वेशन है हमने प्रीवियसली यहाँ पे डिराइव किया था आ, लिखा हुआ था जो भी एक्सट्रूजन प्रोसेस का डायरेक्ट एक्सट्रूजन है इसके लिए और जो डी आई है ये हमको मालूम है और डी आई यहाँ पर भी मालूम है तो उन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे

सो so, यहाँ पे हमको L मिल जाएगा आफ्टर एक्सक्रूजन uh, और जो सिग्मा X uh, मै सिग्मा Q मैक्सिमम का इक्वेशन क्या है वो भी अर्लियर हमने लिखा था सिग्मा Y वन प्लस बी इन टू आर एस टू बी माइनस वन और यहाँ पे R हमको मालूम है आर आई स्क्वायर डिवाइड बाई आर ओ स्क्वायर आर आई इनिशियली हमको मालूम है दैट इज़ हम यहाँ पे फोर्टी एट बाई ट्वेंटी फोर ही लिखा है क्योंकि अल्टीमेटली तो रेशियो ही है तो यहाँ पे डी आई स्क्वायर बाई डी ओ स्क्र भी हम लिख सकते हैं या फिर डी आई बाय डी ओ स्क्र ऐसे भी हम लिख सकते हैं दैट इज द इक्वेशन ऑफ द आर कैपिटल आर एंड सिग्मा क्यू मैक्सिमम इज गिवन बाय सिग्मा वाई वन प्लस म्यू यहाँ पे आर इज इक्वल टू हमने फाइंड किया और जो बी है बी इज इक्वल टू म्यू फॉर फोर्टी फाइव डिग्री एंगल एंड फ्रॉम इक्वेशन वी कैन राइट म्यू इज इक्वल टू दिस एंड वी विल पुट आर इज इक्वल टू फोर एंड बाय ट्रायल एंड एरर सपोज वी टेक म्यू इज इक्वल टू पॉइंट फोर्टी फाइव यहाँ पे पॉइंट फोर्टी फाइव लिया हुआ है तो यहाँ पे जो पॉइंट फोर्टी फाइव लेंगे म्यू की वैल्यू सॉरी पॉइंट वन फाइव लिया हुआ है तो पॉइंट वन फाइव लेंगे तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिलेगी सिग्मा क्यू की देट विल बी इक्वल टू सिग्मा वाई भी हमको मालूम है सिग्मा वाई इज टू ट्वेल्व और यहाँ पे वन प्लस म्यू यानी कि वन पॉइंट फिफ्टीन डिवाइडेड बाई म्यू एंड म्यू इज़ इक्वल टू पॉइंट फिफ्टीन वी विल गेट वैल्यू ऑफ सिग्मा क्यू that will be 21.26 newton per टू सिक्स न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर एंड फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड द मैक्सिमम फोर्स यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको हमको ये वैल्यू है ये दोनों कंपेयर हो करनी है सपोज हम जीरो पॉइंट वन लेते हैं ठीक है थीके? यहाँ पे तो यहाँ पे हम जीरो पॉइंट वन यहाँ पे पुट करेंगे और जो b है उसके इक्वल टू क्या होगा b इज इक्वल टू अल्सो म्यू सो वहाँ पे भी हम वैल्यू पुट करेंगे ज़ीरो पॉइंट वन तो जो दोनों वैल्यू है यहाँ पे भी जीरो पॉइंट वन आना चाहिए सपोज़ यहाँ पे तो ज़ीरो पॉइंट फिफ्टीन लेने से हमको ये दोनों वैल्यू क्या मिलेगी इक्वल मिलेगी तो वैसे हम यहाँ पे ट्रायल एंड एरर से म्यू फाइंड करेंगे और म्यू जो फाइंड करने के बाद एफ़ मैक्सिमम हम फाइंड कर सकते हैं एंड सिग्मा क्यू की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल गई डी वन की वैल्यू हमको मालूम है या फिर डी आई कह लो और जो उसके अंदर यहाँ पे पुट करेंगे उसके बाद जो भी एल है वो मालूम है ये एल ओ इनिशियल है और ये आफ्टर कंप्रेशन है एंड सिग्मा वाई भी मालूम है तो हमको यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगा दैट विल बी इन द मेगा न्यूटन so this is it for today's lecture thank you very much for listening to me carefully have a nice day